तो देखिए आलू काटने जा रहे हैं। आलू सड़ा है बहुत ज़्यादा, आलू काटे जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कालिंदी गोरखपुरिया चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए, रहना भी चाहिए। तो आप लोग कैसे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और निकुरा मेरा कलवर आ रहा है दोस्तों, क्या होता है कि ये गड़ता है, ये बंद नहीं होता सही से ना, तो यहाँ चिपटा जाता है तो खून खून निकल जाता है। तो सुबह सुबह के आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग और राम राम, राधे कृष्ण कृष्ण राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। पूजा पाठ हो गया? कौन कौन पूजा पाठ कर लिया, कौन कौन नाश्ता कर लिया, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और तो देखिए हम तो नहा लिए, पूजा कर लिए, नाश्ता कर लिए, दवा भी खा लिए। देखिए मेरा दवा ये सब दवा फेन आ गया और ये देखिए इतना सारा दवा फेन हो गया। हम दवा से बहुत परेशान है दोस्तों, क्या बतावें। आज हमारा फाइनली जा रहे हैं दांत उखड़वाने, आज दांत उखड़ जाएगा। तो देखिए भगवान से दुआ आप लोग कीजिए कि ताकि अच्छे से हो जाए। बहुत डर लग रहा, बहुत डर लग रहा, इसीलिए हम जा नहीं रहे थे, दवा खा खा के रुक रहे थे, लेकिन अब नहीं रुक रहा है, दवा काम नहीं कर रहा है। रात भर बहुत दिक्कत हो रही है और उसी की वजह से मेरा ये सारा जैसे लग रहा कि पूरा शरीर अजब हो गया है, दर्द और नस नस जैसे लग रहा, नसिया नसिया दर्द होता है। तो रात में देखिए हम आए हैं रिपोर्ट, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखवा के तो बोले हैं कि दांत, मतलब रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पता नहीं क्यों हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है और हमारे अंदर जो दिक्कत है हम जान रहे हैं। हम कैसे बताएं कि हमको क्या दिक्कत है, क्या मतलब हमको अजीबा होता है कि हम खुद नहीं समझ पाते हैं आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। तो चलिए आप लोग से बता दें कि आज हम 1-2 बजे जाएंगे, 1-2 बजे दांत उखड़वाने। मेरा दांत उखड़ जाएगा तो बोल नहीं पाएंगे दोस्तों जो, और बहुत सा डर बना है। आप लोग हिम्मत दीजिए ताकि डर खत्म हो के, बहुत डर लग रहा हमको कैसे उखड़ेगा। रात में इतना दर्द होने लगा था दोस्तों, इतना दर्द होने लगा था कि दवा खाए हैं फिर भी नहीं, जैसे लग रहा ये दर्द है अकीका है। देखिए जैसे बोलते हैं ज़्यादा ना तो ये जैसे लगता है उभर जाता है, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं। रात में लाई पाए थे फिर भी नहीं बोल पा रहे थे, तो बोलना पड़ता था दोस्तों। जो लोग जुड़ते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर भी नहीं करते हैं, तो बोलना पड़ता है। तो अभी तो लड़का गई है स्कूल, छोटी वाली है, बड़ी वाली गई है शादी में, नेपाल गई थी सब, तो अभी उधर से आई नहीं है और हम ही है घर पर। नहा वहाँ के पूजा कर लिए, चाय नाश्ता करके और दवा खा लिए हैं सुबह वाला। और ये आलू काट रहे देख सकते हैं आप लोग और बोरा देख लीजिए, आलू है और बोरा के सब्जी काट रहे हैं, भुजिया सब्जी बना दे रहे हैं, थोड़ा सा चावल बनाएंगे क्योंकि रोटी नहीं खा पा रहे हैं। रोटी से एकदम मैं कुछ नहीं, कैसे कोई पूछेगा, चावल रहता तो किसी तरह घोट लेते हैं, रोटी एकदम में नहीं कुछ आ रहा है। और भात खाने के लिए मना भी है, पेट बहुत ज़्यादा निकल जा रहा है, तो क्या करें हम, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चावल ही बनाएंगे, चावल बना लें और उसके बाद आएगी लड़का तो जाएंगे दांत उखड़वाने। और आप लोग जो वीडियो पढ़ा है, जो वीडियो पढ़ेगा, आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा भी मतलब 5 घंटा पूरा नहीं हो पा रहा है दोस्तों और चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है। आप लोग इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, कुछ हो के आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है।
और किसको किसको घर, मतलब कौन कौन खाना खा लिया, कौन नहीं खाया है। अभी तो कोई खाना नहीं खाया होगा, जो ड्यूटी जाने वाले होंगे लोग, काम करने वाले वही लोग खाएंगे होंगे, और हम लोग भी नहीं अभी बनाए हैं खाना। तो जिसको जिसको खाना है वो कमेंट में ज़रूर बताएगा, बोड़ा का सब्जी और चावल। क्या ही बताएं दोस्तों, क्या मतलब हमारी क्या दिक्कत है, क्या मजबूरी है, हर बात में रोना धोना अच्छा नहीं लगता है। किसी से अपना हर एक बुराई किसी से बताना भी नहीं चाहिए, अपना मतलब अपने ऊपर का जो समस्या है अगर किसी को अपना जान के बता दे तो आदमी उसी का गलत फ़ायदा उठाने लगता है, ये नहीं सोचता को कुछ समझ के गए। इसीलिए हम नहीं ज़्यादा कुछ बोलते हैं, अपने काम से काम रखते हैं कि मेरा किसी तरह रोजी रोटी चले, बाकी कि किसी के आगे रोने धोने या करने से तो कोई बहुत कम ही लोग होते हैं कि समझते हैं कि किसी की मजबूरी, बाकी कोई समझने वाला नहीं है, चाहे अपना हो चाहे गैर हो चाहे कोई भी हो, किसी का मजबूरी कोई समझने वाला नहीं है। तो इसीलिए किसी के सामने हम नहीं ज़्यादा कुछ कहते हैं, कभी नहीं होता है कोई हमसे प्यार से दो बात कर लेता है तो हम मतलब हम बता देते हैं, उतनी समय अगला तो हूँ करके सुनता है, फिर उसके बाद क्या सोचता है क्या कहता है। तो इस तरह किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए किसी को। जिंदगी है, सुख दुख सबको आता जाता रहता है, ऐसा नहीं है भगवान सबको बनाए हैं तो सबके ऊपर सुख दुख डालते रहते हैं। अगर सभी लोग सुखी कर रहेंगे तो दुख कौन उठाएगा, कभी सुख कभी दुख सबके ऊपर आता है। तो इस तरह किसी के साथ नहीं करना चाहिए, और अगला किसी को अपना समझ के कुछ कह रहा है तो उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि क्यों हमको हमसे मतलब वो कुछ हमको समझ के कही है। तो ये सब बात है दोस्तों, क्या ही करें, कोई नहीं है अपना, न घर का न बाहर का। जब तक अपना जांगर है अपने पास, अपना मतलब अपने करने खाने लायक है तब तक के ही बात सही है, और नहीं तो उसके बाद कोई नहीं है, किसी का कोई है नहीं। हम बहुत देखते हैं, बहुत झेल चुके हैं हम, इतना हमारे ना कोई झेला नहीं होगा दोस्तों। आप लोग से बार बार हम करें पूरी मतलब बात ही हम कहते नहीं हैं, इसके लिए हमको समय चाहिए, अब समय का इंतज़ार है दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों को सच्चाई पता चले कि हम कैसे रहते हैं, हम जानते हैं, बाकी कोई क्या जानेगा, किसी का तकलीफ कोई नहीं जानता है, सब अपना अपना भला मनाता है, चाहे घर का हो चाहे बाहरी हो कोई भी हो। चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, हो सकता है आज मेरा वीडियो नहीं जा पाए क्योंकि हम जाएंगे आज दांत उखड़वाने दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, अगर दांत उखड़ जाएगा भी तो लाइव अगर आएंगे तो बोल भी नहीं पाएंगे, इस तो आप लोग से पहले बता दे रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बाय।